इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ आप सभी का खैर मकदम। अहम खबरों की सुर्खियां। बेलगाम वालों के लिए राहत भरी खबर, पॉजिटिव मरीजों से ज्यादा डिस्चार्ज हुए मरीज। 890 पॉजिटिव हुए तो 4270 डिस्चार्ज। एक बार फिर सख्त लॉकडाउन का ऐलान, इस बेलगाम एमजी हिरेमठ की जानिब से किया गया ऐलान। पहले महज दो दिन हुआ करता रहता था, पर अब वीकेंड लॉकडाउन 3 दिन का होगा। जुमा सुबह 6 बजे से बरोज पीर सुबह 6 बजे तक सख्त लॉकडाउन पर अमल करने की हिदायत। आज फिर बिना मास्क घूमने वालों पर कार्रवाई की गई। तकरीबन 260 अपराधों पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 60 सवारियों को जब्त किया गया। बिम्स के सीईओ सईद आफरीन बानू ने खुद मरीजों से मुलाकात, पीपीई किट पहन कर लिया जायजा। पिछले कुछ दिनों से हो रही है बिम्स की बदनामी। बिम्स के मरीजों के घर वालों की बिम्स मुलाजमीन गार्ड्स के दरमियान बहस। आज मरने वालों की तादाद सरकारी आंकड़ा 19। येडियुरप्पा कुर्सी को लेकर अक्सर लोगों का दिल्ली दौरा। कांग्रेस ने कहा आवाम कोरोना से मर रही, पर भाजपा लीडर दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ने लगे मामले, बेलगाम जिला में मरीज की तादाद बढ़ी, तकरीबन 90 के करीब मुतासिर मरीजों की इत्तला हासिल। 15 जून से शुरू होंगे 8वीं से 10वीं तक के क्लासेस। 14 तारीख से खत्म हो सकता है लॉकडाउन। महज गलत नीतियों की वजह से मुल्क को, रियासत को, आवाम को उठाना पड़ रहा है जानी माली नुकसान। कांग्रेस का ही आरवी देशपांडे। अंजुमन इस्लाम कोविड सेंटर से 4 मरीज हुए आज डिस्चार्ज। आज अहम मौजू पर एक नजर। कई सारे लोगों की राय थी कि लक्षद्वीप पर भी वीडियो बना जाए, लिहाजा आज लक्षद्वीप आखिर रहा है क्या और इसका जिक्र अब क्यों हो रहा है। सैकड़ों जजीरों को मिलकर लक्षद्वीप कहा जाता है। पहले एक जजीरे का पता चला, फिर दूसरे तीसरे का, पर जब देखा गया कि हजारों ऐसे जजीरे हैं तो इसका नाम ही लक्षद्वीप रखा गया। यानी कि लक्ष्य यानी कि लाख, द्वीप यानी कि जजीरा, लक्षद्वीप रखा गया। जजीरे को हिंदी में द्वीप कहा जाता है। आपको यह भी सुनकर ताज्जुब होगा कि यहाँ हुकूमत भारत की ही रहती है, पर ज़्यादातर तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि यह केरला का नज़दीकी है और मच्छीमारी यहाँ का अहम कारोबार है। तो केरल नज़दीक है तो खरीदो फरोख्त भी होती रहती है और तकरीबन लोग मुसलमान रहते हैं। केरल को यहाँ इनका दूसरा घर भी कहा जाता है। अक्सर यह भी देखा जाता है कि लक्षद्वीप का दूसरा घर केरल में ही रहता है और पढ़ने लिखने के लिए बच्चे भी केरल आते जाते रहते हैं। इस्लामी तहजीब और मुसलमानों का ज्यादा रसूख और ज्यादा असर यहाँ रहता है। मस्जिदें खूबसूरत आलिशान है। यहाँ के रहन सहन में भी एक बहुत ही खूबसूरत सी नज्म जब्त देखी जाती है। जाहिर है अहम बात यह है कि यहाँ किसी भी तरह की बेरोजगारी या जुर्म आपको देखने को नहीं मिलता। अजीब माहौल का एहसास आपको यहाँ पर जाने के बाद होगा। फिलहाल लक्षद्वीप खबरों में है। खबरों में आने की वजह भाजपा की मुस्लिम मुखाली पॉलिसियों को नाफिज करने का जारहाना तरीका। जाहिर है जहाँ मुसलमान ज्यादा होते हैं तो भाजपा या संघी विचारधाराओं की टोली को नागवार गुजरने लगता है। अब तक यहाँ कोई भी IAS अफसर को यहाँ का जिम्मेदार बनाया जाता रहा, पर अब RSS और संघी विचारधारा से मुतासिर प्रफुल्ल पटेल को बनाया गया। जाहिर है जहरीली सोच के लोग जहां भी जाएंगे एक मनसूबाबंदी के तहत जहर को फैलाने के काम को अंजाम देते रहते। प्रफुल्ल पटेल वैसे भी गुजराती हैं और गुजरात से सीधा इन्हें भाजपा की जानिब से लक्षद्वीप के जिम्मेदार के तौर पर मुंतखब किया गया। अब जिस लक्षद्वीप को महज सैर तफरी या बड़े सियासी अमीर लोगों को छुट्टियां मनाने के तौर पर याद किया जाता या देखा जाता है, अब मुस्लिम मुखालिफ एजेंडे को लागू करने को लेकर सुर्खियों में आ रहा है। जब यहाँ जुर्म ही नहीं है तो पुलिस थाने और जेल खाली है, ऐसे जगहों पर जानबूझकर इन भाजपाई और संघी लोगों की जानिब से गुंडा एक्ट का इस्तेमाल करने का प्रफुल्ल पटेल ने हुक्म दिया है। मतलब जो नौजवान रोजी रोटी कमाते हैं, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, इन्हें महज मुसलमान होने पर भारत में जिस तरह ज्यादातर जेलों में मुस्लिम नौजवानों को डाला जाता है, उसी नेज पर लक्षद्वीप को भी निशाना बनाने का काम अंजाम दिया जा रहा है। अब कुछ हिदायत कर्नाटक हुकूमत को भी मरकज की जानिब से देने की बात कही जा रही है। तभी तो अब येडियुरप्पा को वजीर आला की कुर्सी से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि
कर्नाटक में भी फिरका परस जहन के फर्द को वजीर आला बनाया जाए, तभी तो लक्षद्वीप को जाने वाले जहाज केरल की बजाय मैंगलोर से होकर गुजरे। वाजा रहे मैंगलोर कर्नाटक का हिस्सा है और यहाँ हुकूमत भाजपा की है। मैंगलोर के भगवादारी अपने कामों को आसानी से अंजाम दे सके, यह भी नियत हो सकती है। 96% मुसलमान है तो जाहिर है बीफ यहाँ खाना भी लाजिम है और इनके जिंदगी का हिस्सा भी है। पर अब जब से प्रफुल्ल पटेल यहाँ आए हैं, उन्होंने बीफ पर पाबंदी लगा दी है। मछुआरों के शेड को भी तोड़ दिया गया। मच्छीमारी यहाँ का अहम कारोबार तिजारत है। अब यह समझने के लिए बहुत बड़े बड़े किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक जिस लक्षद्वीप पर किसी तरह का दबाव या नए कानून लगाने की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि लक्षद्वीप के मुसलमान बड़े ही अमन पसंद और हर रोज अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीने के आदि है। पर जिन्हें कभी किसी का भला करने की आदत है ही नहीं, तो यहाँ इत्मीनान से लोग रहे तो इन्हें कैसे तकलीफ दी जाए, कैसे इनकी जिंदगी को दुश्वार किया जाए। और यही काम यह गिरोह अब तक करता आया है। और जब से बंगाल चुनाव हारने के बाद शायद ऐसे लगने लगा है कि किसी और रास्ते से नफरत के जहर को फैलाया जाए, ताकि फिर से लोग कोरोना में मरने वालों को भूल कर धर्म की आड़ में इन्हें वोट दे दे और इन्हें जिताए। महज मुस्लिम दुश्मनी, एक ही एजेंडे पर ये लोग काम करते रहते, यही इससे जाहिर हो जाता है। अब तो यहाँ की जमीन को हुकूमत से अपने जेरे मातहत लेने का काम जारी रखी है। संघ की विचारधारा और आरएसएस के प्रफुल्ल पटेल की इस कार्रवाई पर केरल के वजीर आला पिनराई विजयन ने ट्वीट के जरिए लिखा है कि इस तरह करने से केरल का कारोबार मैंगलोर की तरफ चला जाएगा, जिससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरह मुसलमानों की आबादी लक्षद्वीप में होने की वजह से यहाँ शराब पर पाबंदी है, पर अब नया कानून लागू करते हुए शराब को आम करने की कोशिश जारी है। नए कानून और जुल्म ज्यादति के खिलाफ यहाँ के अवाम ने आवाज बुलंद करते हुए जिन कानूनों की जरूरत ही नहीं उन्हें क्यों लागू किया जा रहा है कहा है। कॉलेज तलबाओं ने भी इसकी मुखालफत की है। यहाँ के मुसलमानों ने जानबूझकर मुस्लिम तहजीब को तबाह करने की साजिश कहा है। प्रफुल्ल पटेल को यहाँ से निकल जाने की तहरीक भी छेड़ी जा रही है। कहने का मतलब, एक बार फिर मुस्लिम मुखालिफ कार्ड खेलने की तैयारी में भाजपा है, जिससे वो मोदी भाजपा संघ की गिरती साख को संभालने की शायद कोशिश कर रहे हैं। भारत में जा कोरोना के मद्देनजर बदनामी नाकामी को लेकर आलमी सतह पर मोदी हुकूमत की वजह से कलंकित तस्वीर बेरोजगारी भूखमरी महंगाई को नया मोड़ देने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। मैं झूठ नफरत फसाद माशरे में जहर फैलाने के बलबूते पर ही आने वाले चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि विकास तरक्की विश्वगुरु वगैरह महज बातें हैं। लिहाजा मुस्लिम विरोधी कार्ड खेलकर एक बार फिर गुजरात फसाद की तरह नया खेल खेलने के मंसूबे तो भाजपा या मोदी सरकार के नहीं है, ऐसा सवाल खड़ा किया जा रहा है। और खासकर भारत के सेक्युलर लोगों ने भी भाजपा मोदी हुकूमत के इस रवैये की पुरजोर मजम्मत करते हुए सेव लक्षद्वीप की मुहिम भी चलाई जा रही है। उन मुसलमानों से भी गुजारिश है जिन्होंने फलस्तीन को लेकर स्टैंड विद फलस्तीन की तहरीक को चलाया था। जरूरी है भारत का जो हिस्सा है, भारत का उस पर जिस पर तसल्लुत है, जहां हम रहते हैं, जहां पर नए जुल्म की दास्तान रकम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ आवाज उठाने और सेव लक्षद्वीप की तहरीक चलाए। लक्षद्वीप बचेगा तो भारत बचेगा, क्योंकि लोकतंत्र इसी धर्मनिरपेक्ष की बुनियाद पे खड़ा है। पिछले कुछ दिनों का जायजा लिया जाए तो पॉजिटिव मरीजों की घटती तादाद शहर को शायद लॉकडाउन से अनलॉक करने की वजह बन सकती है। वही आज अंजुमन कोविड सेंटर से पहली मर्तबा 4 मरीज डिस्चार्ज हुआ। जरा है कि अंजुमन कोविड सेंटर इसी हफ्ते अवाम के खिदमत में दाखिल हुआ है और मरीज ठीक होने का सिलसिला भी जारी हुआ है। इसी तरह कल सेंट्रल मेडिकल की जानिब से अंजुमन कोविड सेंटर को कॉन्सेंट्रेटर बतौर इमदाद मदद फरमाई गई। अंजुमन के खिदमत की वजह से अवाम में इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। आज 4 मरीजों के डिस्चार्ज पर मरीजों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अंजुमन का शुक्रिया अदा किया और यहाँ की सफाई, डॉक्टरों के खदमात, इनका रवैया, लिहाजा बिल्कुल घर जैसे माहौल की वजह से जल्द इस मर्ज से बाहर आने की वजह रही है। अंजुमन सेक्रेटरी समीउल्ला माड़ीवाले ने कहा कि आज 4 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और जल्द उम्मीद करते हैं कि दिगर मरीज भी जल्द शिफायाब होंगे और मर्ज कोरोना खत्म हो जाए। इस वक्त गफूरगी वाले, डॉक्टर सदरुद्दीन गदग वाले, डॉक्टर सलीम फनीबंद, फहीम नाइकवाड़ी, अरशद मोमीन, अब्दुल गफ्फार शेख और दिगर जिम्मेदारान मौजूद थे। डिस्चार्ज मरीजों की गुलाब का फूल दिया गया और सैनिटाइजर मास्क भी दिया गया और आगे भी मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की हिदायत भी दी गई। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहते हर न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। कोविड सेंटर से 4 पेशेंट ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। ये जो आप लोग का लेना है बहुत इम्पोर्टेंट है सर, और इससे ज़्यादा गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है आप लोग कर रहे हैं।
और माशाल्लाह हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, सफाई बहुत अच्छी है, खाने पीने का अच्छा इंतजाम है और सब वॉलंटियर लड़के बहुत दिल जान से खिदमत कर रहे हैं मरीजों की। और आप लोगों की डॉक्टरों की टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है और आप लोग जो इंसानियत का जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ी नेकी का काम है सर। तो यहाँ आप लोगों का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बहुत तकलीफ में थी, 5 दिन लगे सर मुझे, 5 दिन में माशाल्लाह मैं इम्प्रूव हुई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सफाई बहुत अच्छी है सर, खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा है और इकोनॉमिकली भी है सर, इकोनॉमिक दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप जैसे मसीहा यहाँ जमा होकर इंसान इतनी मत कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है सर। तो आजकल के ज़माने में कोई किसी को कोई पूछ के देखता नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में उनको यहाँ लगा कर रात दिन ये मेहनत कर रहे हैं, इसे मैं बहुत मुतासिर हूँ सर। बोला गया था 28 को, आज 5 दिन हो गया, आज फर्स्ट बैच ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट आर डिस्चार्ज, आज डिस्चार्ज कर रहे हैं, 5 पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसमें से पाँचों लोग अलहमदिल्ला मेडिसिन को ज़रा रिस्पॉन्ड किए एंड दे आर इम्प्रूविंग। थैंक माई होल टीम, डॉक्टर्स टीम, ऑल ऑफ द डॉक्टर्स, आईपीडी डॉक्टर्स, नर्सेस, यू नो द क्लीनिंग स्टाफ, the kitchen staff, everyone, you know, who have helped us a lot, and not to forget the management, you know, jo itna acha kaam kiya ki 48 bed covid center ke liye aur isme waqai poor patients ka bahut help ho raha hai।